पड़ेगा नरक को। और कल माननीय अखिलेश यादव जी एक मीटिंग उन्होंने प्रेसवार्ता यशवंत सिन्हा के पक्ष में किया है, उसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को न तो फोन किया न तो बुलाया भैया, ना तो उन्होंने फोन किया ना तो हम लोगों को बुलाया। हम अपने छो विधायक मैं खुद चाहे हमारे त्रिवेणी राम ये दूधराम जी हों, चाहे आपके जगदीश राय हों, चाहे बेदी राम हों, चाहे अब्बास हों और चाहे हंसु राम, हम छो लोग लखनऊ में बैठ करके इंतजार करते रहे। सूचना नहीं आई तो फिर सबकी छुट्टी कर दिया, किसी को दिल्ली जाना था किसी को कहीं, तो हम लोग जो है हम तो लुक गए क्योंकि मुझे टाइम हो गया, तो सुबह लखनऊ से निकला हूं आपके बीच आया हूं। अगर आपसे कोई सवाल करे तो उनसे यही बता देना कि भैया हम लोगों का गठबंधन समाजवादी पार्टी से है हम, और गठबंधन रहे। अब ये अखिलेश जी को विचार करना है कि रखेंगे कि नहीं करेंगे, हम लोग तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन चाहते हैं। इसी के दिमाग में अगर कोई थोड़ा फाट हो तो सोच लेना, इस नाते कि हम लोगों के तरफ से कोई ऐसा नहीं है। अगर कोई कहे तो उसको बता देना कि हम लोग तो तैयार हैं और 12 तारीख को लखनऊ में प्रेस वार्ता करूंगा और साली की 12 को कार्यक्रम था चंदौली में कि वहां जमानिया विधानसभा वहाँ हम नहीं आ पाएंगे। 12 तारीख को प्रेस वार्ता लखनऊ में करेंगे। अभी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और सिर्फ इस नाते करेंगे कि अभी वेट कर रहे हैं कि अखिलेश जी हम लोगों के 6 वोट यशवंत सिन्हा जी को दिलाना चाहते हैं कि नहीं दिलाना चाहते हैं। अगर नहीं दिलाना चाहते हैं तो हम लोग 11 तारीख को बैठ के तय करेंगे कि किसको वोट दिया जाए न दिया जाए। तो ये और हमारी जो राष्ट्रीय कमेटी के लोग हैं, हम सबसे विचार विमर्श करके फिर इस पे हम लोग 12 तारीख को निर्णय लेंगे कि हम लोग वोट किसको दिया जाए। करें ये सवाल समाजवादी पार्टी के मुखिया से करिए। हम समाजवादी पार्टी गठबंधन में हैं और गठबंधन धर्म निभाना चाहते हैं, जिसको निभाने के लिए भाई इलेक्शन में आपने देखा पूरी ताकत से हम लोग 45-46-47 डिग्री टेम्परेचर पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। आपने कहा कि भाई 12 तारीख को फैसला लिया जाएगा गठबंधन रहेगा या नहीं रहे? नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे 6 वोटर किसको वोट देंगे इस पे गठबंधन पे कोई चर्चा नहीं। से आपका आरोप लग रहा है मंत्री जी कि अखिलेश जी आपको इग्नोर कर रहे हैं, मीडिया में ऐसा खबर चल रही है। हो सकता है लेकिन हम कहां से आपको लग गया? हो सकता है हमको नहीं लग रहा है। आपने बयान दिया मीडिया में, बड़ा बड़ा बयान चल रहा है आपका। मैं आज अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। अच्छा, कल आपको बुलाया क्यों नहीं गया? अब ये बात अखिलेश जी से पूछेगा क्यों नहीं बुलाया गया तो वही बता सकते हैं। अखिलेश जी पेशी में बैठे हुए हम लोग कैसे पहुँचेंगे? अरे तो जुगाड़ बना के हिल जाइए, क्या दिक्कत है। 12 तारीख तक हम लोग 12 को प्रेस वार्ता करेंगे, उसी में डिसीजन है। चौपाल चाचा से भी मैंने बात किया था कि आप क्यों नहीं आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बुलाया ही नहीं गया तो मैं क्या जाऊं। हमने पूछा कि राष्ट्रपति चुनाव में कहें जब हमारे वोट की जरूरत नहीं है, जो नियुक्ता देगा वहाँ जाएंगे। लगातार इग्नोर किया जा रहा है, तो अगला कदम क्या है आपका? अब 12 तारीख को पहले या 18 को चुनाव बीत जाए तो बता दें। लाइन दे रही है? लाइन तो आप ही दे रहे हैं। अरे हमारा विरोध कौन करता है? नहीं, हमारा एक आदमी बताइए जो विरोध करता हो। आज आपने कहा कि भाजपा नंबर वन पार्टी है देश में। भाई मैंने देश की सत्ता में है, प्रदेश की सत्ता में है, तब उसको 2 नंबर कैसे बताएंगे? लेकिन आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बाद भाजपा ही चर्चा में है, संगठन है कि भारतीय जनता पार्टी चर्चा में है, समाजवादी पार्टी नहीं है। संगठन धरातल पे काम करने में भारतीय जनता पार्टी के बाद धरातल पे कोई काम कर रहा था सुहेलदेव भारतीय समाज का फेल है। अब हम तो नहीं दिख रहे हैं, हम तो नहीं देख रहे हैं। आपको धरातल पे नहीं दिख रहा?
आजमगढ़ चुनाव में आप जो डटे रहे, आपका कमांडर गायब था। नहीं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कमांडर डटा था, समाजवादी पार्टी का कमांडर।